कि मेटाफिजिकल दुनिया को लोग ऐसे समझते हैं जैसे कि ये कोई पता नहीं क्या है, ठीक है जी जी। वो मादी तौर पे या रेजी तौर पे जो कुछ देखते हैं जो समझते हैं उसी पे बिलीव रखता है, यकीन रखते हैं। उनको ये पता नहीं है कि मैं मुझे जो अल्लाह ने अशरफुल मुल्कात किस बेस पे पैदा किए, मैं कैसी ताकत हूँ, कैसी पावर हूँ, क्या फिजिकल दुनिया मेरी इस पे मैं अशरफुल मुल्कात हूँ, या फिर मैं मेरे एक दूसरी दुनिया है जिसे मेरा पता नहीं है, आगाही भी नहीं है, समझ भी नहीं है कि वो क्या है, वो दुनिया कैसे है। तो लोग जो आपको सुनते हैं, आप बताते हैं मसलन ये है कि ये समुदाय एनर्जी या एच एम एफ ये या डॉक्टर समद एक रहनमाई करते हैं या जिलसन से रहनमाई करते हैं। अब ऐसे लोग सुनते हैं ये चीज़ें जिनको वो कबूल नहीं होती है, वो कहते हैं मैं बहुत कुछ जानता हूँ, उनकी एगो इतनी हाई होती है, वो कहते हैं कि मैं नहीं, मुझे तो बजाय समझा कि बोरी की जो मकसद या अमेरिकन यूरोपियन कहते हैं मुझे वो सही। अब ठीक है आपको वो सही है तो आप यहाँ पर आकर वो रिकी की जो मास्टर ग्रह मास्टर है वो भी कर सकते, और लेकिन लोगों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की दुनिया है, उसके मुख्तलिफ किस्म के उसके एक अपनी एक दुनिया है जो कि उन्होंने अपने अंदर के डिसाइड करना है। वो आपकी बातें सुनते इतना ज़्यादा उसको वो नहीं करते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आपने फरमाया अल्लाह नूर समावात वल अर्ज और आमाल से हमारे सारे कुछ बनते हैं, आमाल आपकी कैसे हो टेक्निक्स होते हैं, दुनिया में कोई भी रहनुमा हो सकता है, रहनुमा कोई भी हो सकता है कि आप ये सही नहीं है ये ऐसा करें। एक मेरा दोस्त है जिनने चेंज जाया, एक शख्स ने उनको ऐसे रास्ते पे, वो एक मुस्लिम है मेरा दोस्त है, एक बेहतरीन रशिया का, एक दूसरे रशियन है जो वो नहीं, वो मुस्लिम भी नहीं है, वो कोई मज़हब मज़हब नहीं, उनके सुलूक को देख के ना वो आदमी जो है वो कहते हैं ये तो सारे को जो आप करते हैं ये हमारे मज़हब में है। तो उस आदमी ने उनको कहा था कि तुम्हारे मज़हब में जो है फिर उस पर अमल क्यों नहीं करते हो, इसका मतलब है तुम गैर क्या तुम खिलाफ करते हो, तो गलत करते हो। तो यही तो कहता है फिर इंसानियत है, अगर दीन ऐसा है आपका इतना सच्चा दीन है, इतना ज़बरदस्त मज़हब है, तो तुम क्यों ऐसे अखलाक नहीं बनाते हो, तुम क्यों ऐसे बिहेवियर नहीं बनाते हो। सर वही बात मैं करना चाह रहा था ना कि जैसे अगर हर चीज़ आपकी खिदमत पर मामूर है, मैं यही बात करना चाह रहा था कि हर चीज़ आपकी खिदमत पर मामूर है जब अगर आप गौर करें तो जब आप जीन साइंसेस ज्वाइन करते हैं और इनसे ये हासिल करते हैं अपने अंदर तवानाई और ताकत, तो आप भी उस सिस्टम के एक हिस्सा बन जाते हैं, इसलिए कि जब लोग आपके पास आते हैं और आपसे खुश होकर जाते हैं तो ये भी एक आप खिदमत कर रहे हैं ना, लोगों में खुशी तकसीम कर रहे हैं, लोगों में शफा तकसीम, शफा तो मिंजानी बनना है बिल्कुल, लेकिन आपका एफर्ट्स जो है आपको खुद भी दिली सुकून होता है और जो बंदा आपके पास आता है वो भी पुरसकून होता है, आप भी उसके हिस्सा बन, आप भी आप उस सिस्टम का एक हिस्सा बन रहे हैं। आप कायनात में जो फ्लो हो रहा है खिदमत का, चांद चांद आपकी खिदमत कर रहा है, सूरज आपकी खिदमत कर रहा है, जमीन आपकी खिदमत कर रही है, जानवर अपने आप को कुर्बान करके, मतलब जब आप जानवर को कुर्बान करते हैं वो कोई चेन पैन थोड़ी करता है, आप उसको आराम से काट देते हैं क्योंकि उसको एक चीज अल्लाह ताला की तरफ से वो है कि भाई तुमने इनके लिए कुर्बान होना है और वो आपके लिए कुर्बान होता है, ये भी तो खिदमत है ना इसकी। जादू के बात सारे बहुत जबरदस्त बात है, रहनुमाई जो है उसके बगैर तो सर कोई आपने मतलब एक स्टेप भी निकाल सकता नहीं, जो रहनुमाई आप जिस तरह से कर रहे हैं खिदमत खैल को जिस रात दिन लगे हुए हैं, मेरा ख्याल इससे बड़े तौर क्या एफर्ट उड़ सकती है, कोई फिर इस तरह से टीवी के जरिए या और प्रोग्राम के जरिए अगर मतलब उसको एक्सप्लेन करना और बेहतर तरीके से ताकि आम आदमी जो है वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सके, वो मेरे ख्याल यही सबसे इसके जो मेन मकसद जो है जीन साइंसेज का वो ये सिलसिला मेरे को जारी रहना चाहिए। और जिस तरीके से अनसर्टेनिटी और लॉ की सिचुएशन आपके सामने है हमारे कंट्री के अंदर और उसकी बेसिक वजह जो है वो फ्रस्ट्रेशन है, और इसी तरीके से हम फ्रस्ट्रेशन को हम दूर करेंगे
तो ये तमाम जो बुराइयाँ हैं और तमाम जो इंसानिटी जो पोजिशन जो हम फील करते हैं वो दिन ब दिन ग्रेजुअली कम होते चले जाएंगे, कम होते, तो एक इंसान एक अच्छा इंसान बन जाए। और एक अच्छा इंसान जब एक घर में होगा तो ये घर एक पर इससे सोसाइटी के अंदर तब्दीली आती चली जाएगी। सेल्फ फीलिंग खाली ये नहीं है कि वो आपको फायदा दे रही है, एक बंदा है आपने वो चाइल्ड ड्रॉप ऑन किया तो खाली आप ही उससे मुतासिर नहीं हो रहे हैं, ये तो वेव्स की शक्ल में फैलता है आपके एनवायरनमेंट है। तरह एक आदमी दूसरे को जैसे गाली दे रहा है वो मामला तो उन दोनों का, लेकिन पांच छह और लोग टेंस हो जाते हैं, तो वो बेसिकली वेव्स है जो मार्केट का एक ओवरऑल जो सेटअप जो है आप इसका अंदर बैठे जा रहे हैं काम कर रहे हैं ना, तो उसमें वेव्स भी पॉजिटिव होंगे वालों के लिए, एक एनवायरनमेंट बहुत बेहतर होगा आप जहां भी बैठे वो बेहतर एनवायरनमेंट देगी। वो आजकल तो वैसे ही जो हाल माशरे के इवन सब मादा बढ़ गई तो अपनी अपनी बढ़ गई है, तो उसमें तो ये अदरवाइज भी फायदेमंद है कि आप एनवायरनमेंट को तो बेहतर चलेंगे, एनवायरनमेंट को बेहतर करते हैं, माहौल को बहुत, इंसान की शख्सियत में कितनी तरक्की, साइंस ने तरक्की कर ली। अभी परसों मैं ऑफिस में बोल रहा था, मैं एक मज़मून पढ़ा था कि हम जो मुंह से लफ्ज बोलते हैं तो वो कभी और गया किसी ने आवाज निकल गई वो गई किधर, वो कहाँ चली गई, सुनी ना करने उसके बाद गई कहाँ। ये अब साइंस यहाँ तक पहुंच गई है कि जब रिसर्च हो रही है कि वो आवाजें यही मौजूद हैं कायनात में खला के अंदर, और वो टाइम भी आने वाला है कि जिसमें आप अपने 100-200 साल पहले की जो बुजुर्ग चले आ रहे हैं उनकी आवाज शनाख्त हो जाएगी, लगे हुए वही के ऊपर भी और रिसर्च करे वही के ऊपर भी। ये हुआ है कि मैं आपको एक बात कहूँ कि मैंने ये पढ़ा है कि इन्होंने रिकॉर्ड किए डायनासोर्स के आवाज को जो 200 मिलियन साल पहले जिसका आगाज हुआ था, 160 मिलियन साल पहले जिसका खात्मा हुआ था, उसको हम जुरासिक पीरियड कहते हैं। तो वो उस वक्त की बता रहे हैं कि उस वक्त जो डायनासोर है उनके आवाज को रिकॉर्ड किया गया, तो अगर इतनी आवाज रहते तो इंसान के ख्याल के आवाज से ज्यादा भारी है, ख्यालात की जो एनर्जी जो पावर है, तो नई दुनिया है मोबाइल्स की दुनिया है, इसमें देख रहे हैं हम सब बच्चे भी हैं छोटे से इसको अचीव करते हैं, इसमें कोई ऐसा बड़ा सिस्टम नहीं लगा हुआ लेकिन पूरी दुनिया से कनेक्ट है, बगैर किसी तार के आप पूरी दुनिया से कनेक्ट है, जहां से चाहे बात करें, जिससे चाहे बात करें, जितनी देर चाहे बात करें। और ये अगर पुराने जमाने में आज से 10 साल पहले होता तो लोग कहते कि नहीं ये जादू है, जादू बिल्कुल सही बात सच्ची कहानी। मेरा पहाड़ों में ही ये गिरगिट साइड के ऊपर से वाहान के साइड पे जो एक मेरा दोस्त था पेशावर में, हम पढ़ रहे थे स्कूल में थे उस वक्त, मैं इतिहास हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तो ये मेरे साथ होते थे, बड़ी मुश्किलात हमने देखे। वो मुझे बता रहा था कि जब पहली बार हमारे साइड पे जब रूसियों का जब हेलीकॉप्टर्स आए थे तो उन लोगों को तो पता नहीं था कि हेलीकॉप्टर होता है क्या है, जहाज क्या होता है, किस तरह के, वो कहते हमारा तो कोई मशीन से हमारा कोई सरोकार नहीं। तो बता रहा था कि जब पहले बार वो जहाज हेलीकॉप्टर आए थे तो हम सब लेट गए थे कि वो जो जो जदाल की जो केड़ा होता है, कहते हैं जदाल की केड़ा है, जदाल की केड़े नहीं होते डिजाइन कहते हैं वो जदाल की जो बालों में केड़े होते हैं ना, कहते हैं उसका केड़ा आगे और जदाल शायद करीब है, जदाल करीब है और आप लोग जो है ना अपना हिफाजत करें इस तरह की, यानी कहते हैं हम लेट गए थे। जब उन्होंने फिर बाद में कहते वो बम्बार शुरू किए कुछ इस तरह के हालात जब शुरू हुए, बाद में पता चला कुछ ऐसा बात कि ये तो ये इंसानी है, ये कोई कोई दूसरी मखलूक नहीं। तो बात ये है कि इस तरह के जिल साइंसिस का भी लोग जो है ना बिल्कुल ही
नावाकिफ है, अपनी ताकतों से नावाकिफ है, और हम बड़े कुछ मिस करते हैं, बहुत सारा कुछ जिंदगी में मिस करते हैं। तो HMS के हवाले से बात हो रहे थे, जिस तरह के लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक तो आपकी लॉ है जी, और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन मुझे ये बताएं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, यानी जो HMS है, ह्यूमन मैग्नेटिक पावर है, ये कैसे कनेक्ट है आपकी दुनिया के साथ और बाहर की दुनिया के साथ, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं इस हवाले से? अच्छा, कुरान शरीफ में हज़रत सुलेमान का जो वाक़ा है, और जिसके अंदर वो मलका सबा का तख्त एक इंसान जिन्ना से पहले भी ले आया, तो वो भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स को का फार्मूला वहाँ पर भी लागू था। कुरान इसके बारे में सबूत फराहम करता है। इसी तरीके से इस दुनिया के अंदर भी हम जो भी मशीनरी ज़राए के ज़रिए या जो भी फोर्स इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं, ये भी एक जरिया है आज के दौर के अंदर कनेक्टिविटी का। इसी तरीके से रूहानी दुनिया के अंदर मोहब्बत का एक लगाव है, एक तालुक का एक लगाव है, एक लगाव आपको आपकी तरफ खींचता है। मैं ये समझता हूँ कि आप कितना एक आप माशाल्लाह हाफिज कुरान है, आप लोगों को सबका मजहब का दीन का बड़ा अच्छा लिखा है। मुझे ये बताइए कि मोहब्बत का रोल जो इस चीज़ों में है, मोहब्बत का रोल कितनी अहम है, और मोहब्बत है क्या, मोहब्बत किस चीज़ से करनी चाहिए? सर ये बिल्कुल वो ये जो पॉजिटिव वेस किसी के लिए सोचते हैं, जो हमारी थिंकिंग होती है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वो आगे वाले अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह से उनका एनर्जी है, ठीक है, जिस तरह अल्लाह नूर से बात वाला अर्ज है, ठीक है, नूर तो हर जगह मौजूद है, लेकिन जब उसको कोई रहनमा उसे जब उसकी रहनमाई कर देता है या उसकी मखसूस जो मतलब कोर्स हमें बता देता है, उससे जब हम फॉलो करते हैं तो वो अमेजिंगली उसको फिर फॉलो करना शुरू कर देता हूँ। और ये एक वेब्स के जरिए मतलब एक मैसेज है, एक मोहब्बत है, मोहब्बत है, जो मतलब वेब्स से मोहब्बत करता है, 70 माउंस ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह के पास कोई मोबाइल नहीं है, बंदों से शागिर्दों से मोहब्बत करते हैं, तो ये फितरी है। मोहब्बत कायनात अल्लाह ताला ने मोहब्बत से बनाई। अगर आप कुरान में देखें तो अल्लाह ताला कुरान में ये चीज फरमाता है कि मैंने कायनात को तख्लीक किया मोहब्बत के साथ। तो अब अगर मोहब्बत को दुनियावी लिहाज से देखें तो एक माँ की जो मोहब्बत है, माँ की मोहब्बत अपने बच्चे से, वो सबसे मतलब आसान मिसाल है मोहब्बत को समझने के लिए, कि एक माँ जब अपने बच्चे से मोहब्बत कर रही होती है तो उसके लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है, एक इशार है। अच्छा, माँ के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है कि खाली वो हमारी ही माँ हो, वो जानवर की माँ हो, कोई भी किसी की भी, वो परिंदे की माँ हो, किसी की माँ, मतलब वो अपने डिवोशन उसमें है, ये कुदरत कुदरत की तरफ से उसमें डाल रही है, वो अपने आप को उसके अंदर जो है वो फना कर देती है। तो मोहब्बत, अगर आप मोहब्बत को देखें तो मोहब्बत एक इशार का नाम है कि आपने अपने लिए दूसरे के, आपके अपने पास दूसरे के लिए कितना इशार मौजूद है।